दोस्तों, अगर आपका गवर्नमेंट टैब भी अपडेट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर एंड तक देख लेना। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गवर्नमेंट टैब को अपडेट कैसे कर सकते हैं, और आपको अपना गवर्नमेंट टैब अपडेट करना ही पड़ेगा क्योंकि अब सरकार ने भी कह दिया है कि सभी बच्चों के टैब हैं वो अपडेट होने चाहिए, इसलिए टीचर भी सभी बच्चों के टैब को अपडेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने गवर्नमेंट टैब को अपडेट कैसे कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप स्विच ऑफ कर लो फिर इसको ऑन करोगे वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, इससे नहीं दोस्तों मैं अपडेट करवाने वाला। गवर्नमेंट टैब के अंदर जो न्यू फीचर है डिवाइस एंड मेंटेनेंस का, उसके अंदर से मैं आपको अपडेट करके दिखाने वाला हूं। वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि गवर्नमेंट टैब से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आपको गवर्नमेंट टैब को अपडेट करने के लिए सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ पर आई के बटन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, आपको नीचे से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपकी अपडेट मिल जाएगी कि पहले आपने अपडेट कैसे कब की थी। तो मैंने आप देख सकते हैं 23 मार्च 2023 को मैंने अपनी लास्ट वाले अपडेट को किया था। तो अब न्यू वाले अपडेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 13 की जो अपडेट है ये मैंने अभी तक नहीं की है। तो इसको करने के लिए इस वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज इसका है 1415 MB की दोस्तों ये वाली अपडेट है। तो अब आपको इसको डाउनलोड करना है, फिर आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली से यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपकी अपडेट यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, और नीचे में आपको टाइम भी दिखा रहा है कि इतने टाइम लगेगा आपके यहाँ पर अपडेट को डाउनलोड होने में। तो जब तक दोस्तों ये डाउनलोड होती है तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी इसलिए मैं इस वाली वीडियो को यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब ये यहाँ पर पूरी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, पूरी अपडेट डाउनलोड हो गई थी, उसके बाद मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो आप भी देख लेना, आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और इसको आपको यहाँ पर 100% होने देना है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके टैब के अंदर क्या होगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी मेरा टैब है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब आपका जो टैब अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा टैब यहाँ पर ऑन हो रहा है, और अब दोस्तों मेरा टैब अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। और अब ये थोड़ी बहुत ही प्रोसेसिंग लेगा, 3-4 बार दोस्तों आपके सामने ऐसे ही यहाँ पर परसेंटेज आती रहेंगी। तो आपको उन सबको कंप्लीट कर लेना है अपने टैब के अंदर। और फिर जब दोस्तों ये सभी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएंगी आपका टैब दोबारा से फिर वहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप अपने टैब को अपडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे यारों। और ऐसे के न्यू वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।